हेलो दोस्तों, धनश्री एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है? गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है धनश्री एकेडमी के चैनल पर। मैं निमिष सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोगों की ट्रेडिंग चल रही है गाइस? यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है और उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आईपीओ आ रहा है और कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। 2005 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये ज्यादातर ये जो फुटवेयर बनाती है कंपनी, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर और एथलीट शूज बनाती है और उसी के ऊपर इनका ज्यादा फोकस है। बेसिकली ये रनिंग शूज प्रोवाइड करती है, वॉकिंग शूज प्रोवाइड करते हैं, कैजुअल शूज प्रोवाइड करते हैं, फ्लोटर्स है, स्लीपर्स है, फ्लिप फ्लॉप्स है इनके पास, सैंडल्स है और मल्टीपल कलर्स और स्टाइल में इनके पास काफी प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो कैंपस एक्टिव वेयर ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से ये सेल करते हैं और इनके 400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। 28 स्टेट में है, 625 सिटीज में ये कारोबार कर रहे हैं और इनके पास 18,200 रिटेलर पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कंपनी खुद के ओवन ऑपरेट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पूरे इंडिया के अंदर, है काफी जगह पे है और उनकी जो कैपेसिटी है, जो असेंबलिंग करने की कैपेसिटी है, 25.7 मिलियन पेयर्स असेंबली करते हैं। ये रिपोर्ट है 30 सितंबर 2021 का। तो गाइस, ये कंपनी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई। अभी कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं तो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एथलीट शूज फुटवेयर्स में फास्टेस्ट ग्रोविंग ब्रांड है। इनका स्केलअप भी अच्छा हो रहा है। एथलीट शूज खेल कूद के जो फुटवेयर्स ब्रांड्स होते हैं उसके अंदर अच्छा खासा ये कारोबार कर रहे हैं। कंपनी फोकस कर रही है अच्छे डिजाइन और अच्छे प्रोडक्ट, इनोवेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है। ग्लोबली ट्रेंड जो चल रहा है उसके ऊपर, फैशन के ऊपर इनका ध्यान रहता है, उसके ऊपर भी ये फोकस कर रहे हैं। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो रेप्लिकेट, डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबल, सपोर्टेड बाय रोबस्ट सप्लाई चेन। सो ये चीज है, कंपनी के पास अच्छी चैनल है जिसके द्वारा ये पूरे इंडिया के अंदर, पैन इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रीमियम कैटेगरी के इनके पास शूज है, इनोवेटिंग ब्रांड है, मार्केटिंग अप्रोच इनका बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनके पास है। कंपनी के प्रमोटर को देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर है हरि किशन अग्रवाल है, निखिल अग्रवाल आर द मेन प्रमोटर। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल आप देखेंगे 2019 से लेके अभी 2021 में काफी पैड बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। कोविड के टाइम से इनका भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू यहाँ पर देख लेते हैं तो 26 अप्रैल को ये ओपन होगा, क्लोजिंग होगा 29 तारीख को ये क्लोजिंग होगा। इश्यू का टाइप है बुक बिल्डिंग है और कंपनी अभी कारोबार कर रही है, बहुत अच्छा कारोबार कर रही है शूज के इसमें। और कंपनी कितना शेयर्स देती है तो 51 शेयर्स देने वाली है, 5 रुपया पर इक्विटी शेयर है गाइस। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया। वापस एक बार टेंटेटिव कैलेंडर्स देख लेते हैं गाइस। 26 अप्रैल को ओपन हो रहा है, आईपीओ की क्लोज डेट है 28, माफ कीजिए 28 तारीख है क्लोजिंग की। अलॉटमेंट डेट 4 मई है। इनिशियल ऑफ रिफंड 5 मई तक आ जाएगा। क्रेडिट हो गया आपके डिबेट में शेयर 6 मई को और आईपीओ लिस्ट होगा 9 मई को। जी हाँ, 9 मई को ये लिस्टिंग होगा और मिनिमम लॉट आपको 51 शेयर का मिलेगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होगा 14,892 होगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले पाएंगे, 1,93,596। सो ये लॉट साइज है आईपीओ की। तो गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की कैंपस एक्टिव वेयर आईपीओ जो आ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी आपको। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी रही कैंपस की बात तो कैंपस फुटवेयर
सेगमेंट में है उसमें ऑलरेडी रिलैक्सो है, बाटा इंडिया अच्छा खासा काम कर रहा है, खादिम है और भी दो तीन कंपनी है, बट मेन बाटा इसके सामने कंपटीशन में है। पीयर कंपनी में आप देख पाएंगे बाटा का अच्छा है और रिलैक्सो, और रिलैक्सो ने भी अच्छी कमाई करके दी है साल दर साल, और बाटा ने भी दी है। तो मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यू है कि इसमें एक लॉट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। काफी दिनों के बाद मार्केट में आईपीओ आए हैं तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनने की संभावना बनी रही थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज, कोई भी बाई सेल की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।